अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सुमेराज टेस्टी किचन एंड ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में रेड वेलवेट केक बनाएंगे, जो कि अगर हम बेकरी से लेने जाएं तो बहुत महंगा मिलता है। और ये रेड वेलवेट केक हम विदाउट बटर बनाएंगे और विदाउट ओवन बनाएंगे। तो ये केक हम ब्लेंडर में बनाएंगे, जिससे कि ये बहुत झटपट बनकर तैयार होता है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। और इसकी लुक देखिए कितनी शानदार है। सबसे पहले हम बटर मिल्क तैयार करेंगे, जिसमें हम आधा कप दूध लेंगे और उसमें 2 टीस्पून वाइट विनीगर के डालेंगे। और दूध हमने रूम टेम्परेचर पर लेना है, ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। आधा कप दूध में हम 2 टीस्पून वाइट विनीगर के डालेंगे और इसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट में हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट लेते हैं, जिसमें हम 1 कप मैदा लेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। और इसमें 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन तीनों चीजों को हम छान लेंगे। केक में ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर इसमें कुछ लम्स वगैरह हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों वो छानियों से निकल जाएं। ये कोको पाउडर थोड़ा सा रह गया, अब हम इसको इस तरह स्पैचुला की मदद से छान लेंगे और इन ड्राई चीज़ों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये रेड वेलवेट केक बहुत जल्द बनकर तैयार होता है और आप बहुत आसानी से इसको टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बहुत इजीली आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसको बेकरी से लेने जाएं तो ये बहुत महंगा मिलता है। अब हमें 2 अंडे लेने हैं और इनकी योक्स जो हैं वो अलहदा कर लेनी है। अब दूसरा भी अंडा लेंगे और इसको भी तोड़ के उसकी भी योक अलहदा कर लेंगे। और एक योग तो हमने पहले ही निकाली है, अभी संडे की योग भी हम सेपरेट कर लेंगे। बहुत ध्यान से आपने इसको करना है सेपरेट। ये दोनों योग हमने अलहदा कर ली हैं। अब हम ब्लेंडर लेंगे और इसमें एग वाइट डाल देंगे, जो कि 2 अंडों की हैं। आपके पास अगर हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर से कर लें, लेकिन मुझे ब्लेंडर में करना बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, इसलिए मैं ब्लेंडर में ही बनाती हूँ। जब एग वाइट में सॉफ्ट पीक आ जाए या हार्ड पीक आ जाए तो हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और वो भी थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एकदम नहीं डालनी चीनी। 2 या 3 बैजेस में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और केक बनाते वक्त जो भी चीज़ें आपने मिक्स करनी हो बैटर में, तो उसको एकदम नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अब हम इसमें बकाया चीनी भी डाल देंगे, फिर इसको एक दफ़ा बीट करेंगे। अब हम इसमें 1 योग डालेंगे, इसको जस्ट 2 सेकंड के लिए हम बीट करेंगे, 2 या 3 सेकंड के लिए। फिर हम इसमें नेक्स्ट योग डाल देंगे, दूसरी 1 योग भी डालने के बाद हम इसको 2 से 3 सेकंड के लिए ही बीट करेंगे। और ये रेड वेलवेट केक आप वैलेंटाइन डे पे अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। अब हम इसमें 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और वो भी हम 3 बैजेस में इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा बीट करते जाएंगे। इसी तरह ये सारा ऑयल जो कि 1/2 कप है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, यानी 3 दफ़ा हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये बेसिक रेड वेलवेट केक है, आप इसको अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसको जैम से डेकोरेट करें, क्रीम से डेकोरेट करें, चॉकलेट से डेकोरेट करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब हम इसमें बटर मिल्क डाल देंगे और इसको भी चंद सेकेंड के लिए हम बीट करेंगे।
और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने घर वालों के लिए लाजमी ये केक बनाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डालेंगे। और 1/4 टीस्पून हम इसमें रेड कलर डालेंगे। जो मेरे पास पाउडर कलर है, आपके पास अगर लिक्विड है तो आप 1 टेबल स्पून डालें। कलर और वनीला एसेंस डालने के बाद जस्ट 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए हम इसको अगेन बीट करेंगे और इस बैटर को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे, उसको भी हम 3 स्टेप में डालेंगे, यानी कि 3 बैजेस में इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसका फोल्डिंग मेथड की मदद से इसको फोल्ड करते जाएंगे। और ये लास्ट भी हमने डाल दिया है। अब हम इसको अगेन फोल्ड करेंगे। मोल्ड हमने पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। अब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ बैटर डाल देंगे और पतीली हमने प्री हीट होने के लिए रख दी हुई है मीडियम टू लो फ्लेम पर। बैटर का कलर देखें कितना शानदार है, इसी तरह हमारे केक का कलर भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आएगा। सारे बैटर को मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको 2 से 3 दफ़ा टैप टैप करेंगे ताकि अगर इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है वो सारी निकल जाए। और फिर हम प्री हीट पतीली में इसको रख देंगे। 40 से 45 मिनट में हमारा केक बेक हो जाएगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह केक का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। और 40 टू 45 मिनट में केक हमारा बेक हो जाएगा। उसको टूथपिक की मदद से आप चेक कर लें, केक हमारा बेक हो चुका है और कलर देखे कितना ज़बरदस्त आया है। ये लीजिए हमारा बेसिक रेड वेलवेट केक बनकर तैयार हो चुका है, जो कि घर पर बनाना बहुत ही आसान है। बस वीडियो को ज़रूर लाजमी अंत तक देखा करें ताकि कोई भी टिप्स और ट्रिक आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत दोनों की खुशियां नसीब करें। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखा करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। चलती हूँ, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।